सब जेलों में जाओगे, लंबे लंबे टाइम के लिए जेलों में जाओगे। मेरी बात याद रखना, बंद कर दो ये पहले। वो एक एक आतंकवादी याद रखे जो इन लोगों को जाके झूठा जेलों में डलवा रहा है, वो आतंकवादी याद रखे। और जो आतंकवादी जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं कानून तोड़ के, वो सब जेलों में मिलेंगे, उनके आका उनको बचा नहीं पाएंगे। ये याद रखें हमारी बात, सूनर और लेटर मोहन भागवत जी नहीं बचा पाएंगे आपको, ये नरेंद्र मोदी जी नहीं बचा पाएंगे आपको अगर आप कानून तोड़ोगे तो। कानून से ऊपर ना मोहन भागवत जी हैं ना मोदी जी हैं, जब वो कानून से ऊपर नहीं है तो आप भी नहीं हो और वो आपको बचा नहीं पाएंगे। सब जेलों में जाओगे, लंबे लंबे टाइम के लिए जेलों में जाओगे। मेरी बात याद रखना, बंद कर दो ये हरकत। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अक्रम। रामनवमी जुलूस को लेकर के जो देशभर से तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में एक तस्वीर दिखाई जा रही है जहां ये बताया जा रहा है कि रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था, मुस्लिम बस्ती में पहुंचे और मुसलमानों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। पर सोशल मीडिया पर तस्वीरें कुछ और बयां की जा रही हैं, जो कि वडोदरा से सामने आई कि इफ्तार के वक्त घरों में घुसे, इफ्तार का सामान फेंका और महिलाओं के कपड़े तक फाड़े गए हैं। यही तस्वीर बिहार के नालंदा से सामने आ रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। सर, गुजरात के वडोदरा से जो तस्वीर सामने आ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक ही पैटर्न बार बार हर जगह हर साल दोहराई जा रही है तस्वीरें और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है हर साल, ये भी बात है। एक बात जो हमें बहुत ध्यान से समझने की है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है बात, भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने का सीधा सीधा मकसद यह है कि भारत का संविधान खत्म किया जाए, भारत खत्म किया जाए और मनुस्मृति से चलने वाला एक अलग देश बनाया जाए, जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर जिसमें अरेस्ट हुई है उस देश का नाम उन्होंने रखा है आर्यव्रत। ये है साजिश जो कहां से रची जा रही है, जो रची जा रही है नागपुर से, आरएसएस के हेडक्वार्टर से। जब तक हम इस बात को क्लैरिटी से नहीं समझ लेंगे और इस बात को सीधे सीधे नहीं कहेंगे कि ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है और एक जगह से हो रही है, इसका नर्व सेंटर नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है, ये सारी तंजीमें जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही हैं, जो मनुस्मृति लागू कराने की बात कर रही हैं, ये भारत को खत्म करके, भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराने की बात कर रही हैं। अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में कही जा रही हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही जा रही हैं, ये सभी एक ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम कर रही है। अब इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ये जो कारनामे हैं, जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया आप भी कहते हो, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तब सॉरी टर्मिनोलॉजी बदलनी पड़ेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोग, उसकी दो वजूहत है, एक तो आप मीडिया हो, मेन स्ट्रीम या साइड स्ट्रीम तो वही होगी ना जो मीडिया होगी। ये जो क्रिमिनल लोग हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि मीडिया के लाइसेंस तो जिन्होंने ले रखे हैं, वो सब क्रिमिनल्स हैं जो इस बड़ी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। अब इन चैनल्स को खरीद कौन रहा है, जो सब जैसे भी लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि एक थोड़ा बहुत चैनल ऐसा था जो शायद मेन स्ट्रीम था, एनडीटीवी, उसको भी आरएसएस के लोगों ने, अडानी ने, यानी कि मोदी जी और अमित शाह का जिन जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में या जो जिनका पैसा हैंडल करते हैं, उन्होंने खरीद लिया। तो अब एनडीटीवी मीडिया या मेन स्ट्रीम कुछ भी रहा, तो आप हो जो सोशल मीडिया है वो सच्चाई बयान करता है। मीडिया का काम क्या होता है, जो सत्ता में बैठे हैं लोग उनकी गलतियां पकड़ना, उनकी गलतियां पकड़ के लोगों तक पहुंचाना, ये मेन काम होता है मीडिया का। क्योंकि सत्ता के लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो तो अपने पैसे का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके, अपने जो सरकारी मीडिया होता है उसका इस्तेमाल करके अपने कामों की तो पब्लिसिटी करा ही लेते हैं। अब वो झूठी पब्लिसिटी भी कराते हैं ज्यादातर और थोड़ी बहुत सच्ची भी कराते हैं। तो सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनको तो अपनी तारीफ करने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, जनता को उनकी तारीफ करने वाले लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। जनता को क्या जरूरी है कि उनकी कमियां कौन बता रहा है,
तो जो काम प्रेस सरकार की, किसी भी सरकार की कमियां निकालने का काम करती है वही प्रेस होती है, एक बात। दूसरी बात, आज आपकी जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनकी रीच, जो ये क्रिमिनल सो कॉल्ड मीडिया है, क्रिमिनल्स जिसमें बैठे हैं, उनसे कई सौ गुना ज्यादा है। मैं ये बहुत ही रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ और इसकी सच्चाई में तो ये इससे भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आपकी रीच, पकड़, पहुंच और जो अटेंशन स्पैन है वो इनसे सैकड़ों गुना ज्यादा है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोग हुए, क्रिमिनल मीडिया जो ये कर रही है, ये तो क्रिमिनल्स हैं, ये उस कॉन्स्पिरेसी का मनुस्मृति लागू कराने के लिए कि जो कॉन्स्पिरेसी है भारत का संविधान करके, ये उसके हिस्सेदार हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। तो वो अपना क्रिमिनल्स अपना काम कर रहे हैं। जो हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, जो भारत के संविधान को मानते हैं, उनका काम ये है कि इस बड़ी साजिश को बेनकाब करें और धीरे धीरे करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनको इनकी सही जगह जेलों में पहुंचे। क्योंकि सर हमने कल बिहार के नालंदा से भी तस्वीरें देखी, खासतौर पर जहां मस्जिदों को आग लगाई गई, भगवा झंडे उसके ऊपर चढ़ के लहराए जा रहे हैं, एक अजीजिया मदरसा है जिसको आग के हवाले किया गया, सिर्फ उसमें 4500 कुराने रखी हुई थी, सबसे पहले उसी जगह को आग लगाई गई है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम लगातार देखते हैं जब भी ऐसी हिंसा होती है मदरसों को, दुकानों को, घरों को जब भी आग के हवाले किया जाता है, हमारी मुस्लिम तंजीमें जाती हैं बनाने का ऐलान कर देती हैं, पर जो असल दोषी है वो कभी भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं जा पाते, कहां लूप पॉइंट रह जाता है और क्यों बार-बार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं? मैं इस बात को भी बार-बार कह रहा हूं, जो तंजीमें सिर्फ ये काम करती हैं कि किसी के साथ नुकसान हुआ, किसी की हत्या हुई, किसी, अभी जैसे आप बता रहे हो महिलाओं तक को रोजा खोलते हुए महिलाओं को जाके छेड़ा, वो गुजरात में, वहां की तो संस्कार जो भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोगों के संस्कार है वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ले आए कि बलात्कारियों को, छोटे छोटे बच्चों को मारने वालों को वो अच्छा करेक्टर वाला बताते हैं, संस्कारी बताते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करते हो। लेकिन कमी हमें देखना चाहिए, एक क्रिमिनल, एक डकैत तो डकैती डालेगा, एक क्रिमिनल क्राइम करेगा, जो उनके सामने खड़े हैं चाहे वो मजलूम हैं या पुलिस के लोग हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं या जो बाकी लोग हैं, उनका काम है उन्हें पकड़ना। अगर सिर्फ हम जो क्रिमिनल्स हैं जो सामान लूट के ले जाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत दे देते हैं जिनसे सामान लूटा है या जिसके चोट पहुंचाई है उस पर मरहम लगा देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इन जो आतंकवादी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनकी मदद ही कर रहे हैं। क्योंकि उनको एक बात कंफर्म हो जाती है कि हम कुछ भी करें हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो पुलिस और प्रशासन है उसमें भ्रष्ट अधिकारियों को तो हमें हमारे मनुवादी बॉसेस ने ही रोक रखा है, जो उन लोगों का जो मजलूम है जिनके साथ ज्यादती करते हैं उनके जो चैंपियंस हैं उनकी जो आवाज उठाने वाले सो कॉल्ड आवाज उठाने वाले हैं वो भी हमारे ही कब्जे में है, तो ये लोग हमारे खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई करेंगे ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के ऊपर मरहम लगाएंगे। ये बात इनको सबसे बड़ा हौसला दे रही है। कोई भी तंजीम जो अपना ज्यादा टाइम इस बात में सर्व नहीं करती कि अगर जो भी भारत का संविधान और कानून तोड़ेगा हम उसे जेल पहुंचाएंगे, हम उसका सख्ती से मुकाबला करेंगे, अपने लोगों के महरम तो लगाएंगे, अपने लोगों को कॉम्पनसेशन तो दिलवाएंगे या देंगे, लेकिन उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो लोग ये काम कर रहे हैं ताकि किसी और की ऐसा गंदा और घिनौना काम करने की हिम्मत ना हो। जब तक हम ये काम शुरू नहीं करेंगे तो ये हम उनकी इनडायरेक्टली मदद ही कर रहे हैं, मनुवाद का एक ये तंजीमें हिस्सा ही हैं। और यही बात मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए भी कहता हूँ, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए भी कहता हूँ, ओबीसी के लिए भी कहता हूँ और दूसरे जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, उनके लिए भी कहता हूँ। तो ये हमें पहला काम हमारा ये होना चाहिए और हमारा जो एक जो हम लोगों के साथ जितने भी लोग हैं या जो हमारा छोटा सा ग्रुप है वो तो यही कहता है कि हम लोगों की बेल बाद में कराएंगे, बेल भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले वो एक एक आतंकवादी याद रखे जो इन लोगों को जाके झूठा जेलों में डलवा रहा है, वो आतंकवादी याद रखे, और जो आतंकवादी जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं कानून तोड़ के, वो सब जेलों में मिलेंगे, उनके आका उनको बचा नहीं पाएंगे, ये याद रखें हमारी बात। सूनर और लेटर मोहन भागवत जी नहीं बचा पाएंगे आपको, ये नरेंद्र मोदी जी नहीं बचा पाएंगे आपको अगर आप कानून तोड़ोगे,
तो कानून से ऊपर ना मोहन भागवत जी हैं ना मोदी जी हैं। जब वो कानून से ऊपर नहीं है तो आप भी नहीं हो, और वो आपको बचा नहीं पाएंगे। सब जेलों में जाओगे, लंबे लंबे टाइम के लिए जेलों में जाओगे। मेरी बात याद रखना, बंद कर दो ये हरकतें, बहुत पछताओगे। क्योंकि सर हमने देखा कि जहां गुजरात से तस्वीर सामने आई, बिहार से सामने आई, पर यही तस्वीर अगर बंगाल में सामने जा रही है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सॉलिड तरीके से बयान देती हुई नजर आई कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो शोभा यात्रा है वो नहीं निकाली जाएगी। जब पुलिस ने रोक दिया तो वहां जाकर के बवाल उन्होंने शुरू किया, मुस्लिम मोहल्लों को टारगेट किया। ये मुस्लिम मोहल्लों में जो जबरन घुसने की होड़ सी मची हुई है बीते कुछ सालों से, तो कैसे इसे देखा जा सकता है? क्योंकि और राज्य सरकारें फिर इस तरीके के बयान क्यों नहीं देती अगर ममता बनर्जी ने वो बयान? देखिए, मेरा कहना यह है कि हमें इसमें एक ही बात रखनी चाहिए सभी सरकारों को, और मैं ये सलाह भी दे रहा हूं ममता बनर्जी जी को भी और बाकी सब सरकारों को, कोई मुस्लिम मोहल्ला नहीं है, कोई एससी मोहल्ला नहीं है, कोई एसटी मोहल्ला नहीं है, कोई ओबीसी मोहल्ला नहीं है, कोई सिख क्रिश्चियन बौद्ध मोहल्ला है ही नहीं। सरकार की नजर में नहीं होना चाहिए कोई भी व्यक्ति। अगर कानून तोड़ेगा तो कानून जिन जिन धाराओं का तोड़ेगा उसके उपयुक्त यानी कि उससे मैचिंग धाराओं में वो बंद होगा। ये जो सब कार्रवाइयां हो रही हैं, ममता बनर्जी जी साहिबा से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यूएपीए का मुकदमा दर्ज करें, कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा दर्ज करें। ये तो जाएगा ट्रेस बैक होके नागपुर तक ना, चाहे मुस्लिम मोहल्लों में करें तो दलितों के साथ भी तो हो रहा है, ये दलितों के घरों में भी घुस के यही सब हो रहा है, तो किसी के साथ भी हो, कोई किसी के घर में भी जाके करे, कोई मनुवादी मानसिकता के घर में जाके भी कोई अगर अपराध करता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा। हमारा भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, सीधी सीधी पॉलिसी है। अभी ये मनुवादी मानसिकता के लोग आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ आतंकवाद के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, और जो उनके आका जो बैठे हैं ना उनको 120 बी धारा में पकड़ के जेलों में डालना चाहिए। ये रास्ता जो है यूनिवर्सल रास्ता है, इसमें कोई भी किसी के लिए भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए और किसी के लिए भी कम ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बयान दिया कि राज्य सरकारें जो हैं इसकी ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, पुलिस प्रशासन जो है वो ज्यादा जिम्मेदार होता है, जहां हेट स्पीच फैलाई जाती है या इस तरीके की हिंसा सामने आती है। साफ तौर पर राज्य सरकारों को प्रशासन को नपुंसक करार दिया था हेट स्पीच के मामले में, तो कैसे देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है उसके बावजूद भी ना तो हेट स्पीच रुक रही है और ना ही इस तरीके की घटनाएं रुक रही हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस को भी ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि अब जो जो लोग मनुवादी मानसिकता के सत्ता पे किसी तरीके से काबिज हो गए वो सभ्रांत लोग नहीं, वो कोई शरीफ लोग नहीं। इसलिए उनका बातों से आप उनको कुछ भी कह लीजिए, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कोई भी। आप उन्हें कुछ भी कह लीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप उनके खिलाफ टिप्पणी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको कोई इज्जत बेइज्जती से लेना देना ही नहीं है। उनकी कोई संविधान के प्रति, जिस संविधान की वो शपथ लेके बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उनसे उनका कोई लगाव नहीं है, वो झूठी शपथ खा के बैठे हैं। इसलिए अगर सच्ची खाते तो वो कानून को जो लोग हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराते, सबसे पहले सबका साथ सबका विकास एक्चुअली करते। ये धोखे वाला एक नारा नहीं होता सिर्फ धोखा देने के लिए। तो ये जो बात है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रियलाइज करनी पड़ेगी, ऑर्डर्स पास करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को पावर्स है ना विशाखा गाइडलाइंस जैसी गाइडलाइंस इशू करने में, कि जो भी इस प्रकार की गतिविधि करेगा उसके खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज होगा, उसके खिलाफ जो उसके पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, जो उसमें पुलिस अधिकारी शामिल होंगे वो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। हर एक SHO की जिम्मेदारी लगाई जाएगी, पूरे देश में एक भी एरिया ऐसा नहीं है जो ना किसी SHO के अंडर ना आता हो। स्टेशन हाउस ऑफिसर के अंडर कोई ना कोई, किसी ना किसी स्टेशन हाउस ऑफिसर के अंडर आता है। तो अगर जिस स्टेशन हाउस ऑफिसर के अंडर ये काम होगा उसको तुरंत तो FIR करनी है। आजकल तो सुओ मोटो ही FIR हो रही है ना यूपी में, और दूसरी जगह देख रहे हैं पुलिस वाले ही FIR लिख रहे हैं सारी। तो सुप्रीम कोर्ट लिए गाइडलाइंस जारी करे कि एक तो तुरंत FIR दर्ज होगी, एक महीने या दो महीने के अंदर चार्जशीट फाइल होगी, और उसका जो ट्रायल है वो 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म होगा। देखिए, अगर इस तरह की डायरेक्शंस पास कर दे सुप्रीम कोर्ट
मैं सलाह नहीं दे सकता, लेकिन एक अपना दिमाग में जो बातें आ रही हैं वो बता रहा हूं। तो पूरे देश में कानून का राज स्थापित हो जाएगा। जो SHO नहीं करेगा ऐसा, उसके खिलाफ कानून के तहत 166A में और दूसरी धाराएं मौजूद हैं IPC की, उसमें कार्रवाई होगी। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से चेन ऑफ कमांड बन जाएगी। जिस SHO ने के खिलाफ DCP ने कार्रवाई नहीं की, उसके खिलाफ भी यही कार्रवाई होगी। जिस DCP ने नहीं की, उसके जॉइंट CP के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि उसी तरीके से SHO ने अगर कोई गड़बड़ की तो उसकी देखभाल करने के लिए चेक एंड बैलेंस में SP साहब की जिम्मेदारी होगी कि अगर SHO ने ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की वायलेट की तो SP साहब उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, और अगर SP साहब भी नाकाम होते हैं तो SSP साहब करेंगे। इस तरह से DGP तक चेंज जानी चाहिए। सिंपल सी बात है, चीफ सेक्रेटरी तक जिस दिन चेंज जाएगी अपने आप कानून का पालन होना शुरू हो जाएगा और ये टिप्पणियां करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक और जमाना था पुराना कभी, जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लोग को सरकारी अधिकारी और पॉलिटिकल लीडर सीरियसली लेते थे। आजकल तो वो इसको एक धूल की तरह उड़ा देते। एडवोकेट महमूद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि मुल्क में जिस तरीके से हेट्रेड फैलाया जा रहा है, जुलूस के नाम पर जिस तरीके का आतंक मचाया जा रहा है, वो तभी रुक सकता है जब सुप्रीम कोर्ट सख्त संज्ञान ले इस पर।